যাও কি যাও আর কাক ভোট দিব কে কাম করে তো যাবি যাবি কি করি গো পাঁচ সাল থেকে বহুত কিছু করি আমি কেটে তা ফিরবে তা যে ছে না মোর জেলা যে ছে না তো কি খালি কিল্লা রে কি পার রেবে হিমাবা রেবে হিলাম যাও রেবে দিতি দাম মোর কা গিরে না আম করে কি নি করে কিল্লা রে যাও মু মু তে পতন বানা দে একবার যে বিধায়ক যে বানি হবু হ্যাঁ ওয়ার বাদ যে ছে লেকিন আতা গান যে ইও এম এ লেকিন ওয়ার বাদ যে ছে লেকিন কাম কুচু কি কই করে আন যা নেম কাম কুচু কন্দে তোরা বিধানসভা গেল না লোকসভা কি নজো তো উনি না ফির ভিতর এসনা আছিল আব্দুল মাহমুদ দি দাগা নি যাইল মা দাগল নি মোবাইল লাগ আর তুমি আর নিবেল গো কি কি করে আলো সে এন্টু নি করি ডাক্তার যায় সা ওইব রেল ওয়া না ওইল না ওইব ওইল না কি করি গো ওসে তে দা আশ্বাসন তে দিছি লোকলা আলি আশ্বাসন দিল গো আপনা ওয়া ওয়া কি আপনা ঘরে সম্পত্তি গান বেজে আনে আমতাল দিবে লোকলা কো যে কিছু কামে নি কইয়া বলে গো হ্যাঁ बेकार चला लोग जा बोलो मुजाहिद काम करेगा मुजाहिद को वोट देना मुजाहिद मुजाहिद मास्टर मुजाहिद कौन पार्टी से है पता है हाँ पार्टी है कौन पार्टी है अरे पार्टी जान जाते तीर छाप है तीर छाप हाँ तीर छाप चले गया बीजेपी में पता है जो भी जो जो भी जाओ उसी को वोट देंगे मुजाहिद को हाँ मास्टर मुजाहिद को वोट काम करेगा मुजाहिद काम करेगा पार्टी से मतलब नहीं है कैंडिडेट काम करेगा कैंडिडेट काम करेगा हमारा रिश्तेदार है और वो काम करने वाला आदमी है रिश्तेदार है इसलिए पटना गया था दो बार मेरा हॉस्पिटल बीमारी के इलाज में अच्छा कोई नहीं जा सकता था कोई एवेल एमपी नहीं गया लेकिन वो दो बार गया मदद किया हमारा मास्टर मुजाहिद हाँ लोगला को जो बोले वहाँ वाले वहाँ वाले बीजेपी चले गए क्यों जाए वहाँ से मतलब लोग कहीं जाए उससे मतलब उसको उसको दे रहे उसको देख के दे रहे भले मोदी वोट दे या मुझे तो बराबर थी भले मोदी उसी को देंगे बताए को देंगे अरे चाहे ना कि हमारा वक्त पर काम आएगा नहीं तो उसको देंगे ना आज कोई कोई कुछ चेहरा नहीं मिले अंतर अभी तक अभी तक हम देख सकल तक नहीं देखे कार सकल नहीं किसका सकल नहीं आज जावेद का सकल नहीं देखे आज तक नहीं देखे नहीं लोग सब कह रहा है कि भले लोग सब कह रहा तो लोग कहता तो करें नहीं हम लोग नहीं देखे बस भले काम करे नहीं करे वहाँ के भले नहीं नहीं पतन साहब थे पतन साहब कोई पुजारी का हमारा अपना एम पी का रात नहीं देखे लेकिन वोट वो आते थे काम रहे थे कांग्रेस थे हाँ काम करे नहीं करे हाँ काम करे ना करे बोले तुम आज चार जिंदाबाद काम करे या ना करे करे या ना करे कांग्रेस आरजेडी आरजेडी जेडीयू 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 तो वहाँ बीजेपी है वहाँ बीजेपी थी वहाँ पेंटू राम पलटा पंडित करो फिर पतन चाप ए आई एम आई एम पतन चाप आई एम बेकार है वहाँ दरबदलू है वहाँ कमर के दरबदलू वहाँ पर तो ये क्या है कि ऐसा नहीं हो जहाँ हुकूमत है वहाँ दू तो उन्हें बन तो फिर बन गए इधर तो बनना चाहिए ये खेल को बन दो मैं प्रोजेक्ट हूँ कांग्रेस से हुकूमत रचना चाहिए बात चाहे जमन को सब सुते आनु मामलो मोदी को जो चार से पार क्या नाम है आपका अब्दुल कारीम क्या लगता है इस बार किसको जिता रहे हैं किसको दिल्ली भेज रहे हैं पंजा हाथ को हाथ को जी हाँ क्या कर दिया पंजा सत्तर साल पंजा सत्तर साल से मोदी क्या कर दिया फिर क्या कर दिया साठ रुपये का बोतल डेढ़ सौ रुपया हो गया कौन सा बोतल ये अरे भाई कौन सा दवाई है ऐसा पॉइंट है उसका दवाई का दाम बढ़ा है अमीर गरीब फकीर चमार मुसो बाटू सबको दवाई का जरूरत पड़ता है ये गरीब है इसके लिए दस रुपया कम नहीं है हम आज सत्तर बीस साल से दवाई खरीदते जो बच्चे हम तीस रुपया में लेते थे अभी वो बोतल का दाम एक सौ सत्तर हो गया है जो पत्ता हम साठ रुपया में लेते थे वह पत्ता का दाम अभी डेढ़ सौ हो गया है कैसे गरीब लोग जिएगा हम लोग आलू का उसका दाम नहीं मांगते कपड़ा चलो कहीं जाए दवाई क्यों लगाया इतना कांग्रेस घटा देगा दाम अरे नहीं घटा रहे देखे मैंने भाई बुरा ना करिए कोई ये नहीं आप बीमार आपका परिवार पड़ता है ना आप तो जानते होंगे किसी को अपहरण करेगा पेट फाड़ेगा ना तो दो पेटी रुपया चाहिए हम गरीब है कहाँ पाएंगे बताइए अच्छा किसी में और दो कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद साहब क्या लेना है हमको हाथ ही में हाथ पार्टी का घर जो मिलेगा अच्छा हाथ ही को देना है बस हाथ ही को देना है हाथ हाथ पंजाब अच्छा पतन झाप जानते हैं वो जानते हैं हम लोग पिछले किसी को नहीं जानते पतन आधा आ जाएगा हाथ नहीं आएगा तो खाना कैसे खाइएगा क्षेत्र में किसका माहौल बन रहा है किसका चर्चा है देखिए जहाँ तक चर्चा की बात है ये डिपेंड करता है कि मुद्दा आप किस प्रकार से जनता के सामने लाते हैं यदि मुद्दा अगर जनता को भाती है तो उस मुद्दे के हिसाब से जनता वोट करेगी
अगर जनता को लगेगा कि नहीं कि ये फलाना कैंडिडेट है जो हमारे मुद्दे को लेकर के, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और जो दीगर चीज़ें जो जनता को ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार यदि कैंडिडेट उस चीज़ को फुलफिल कर पाती है तो जनता उसी को वोट करेगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, अभी मुख्य रूप से तीन कैंडिडेट है, JDU से मास्टर मुजाहिद साहब, AIMM से अख्तरुल ईमान साहब और कांग्रेस से वही पुराना डॉक्टर जावेद साहब। तो इन मुद्दों को कल उठा रहे हैं आप पार्लियामेंट में या आपके क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर जावेद साहब का सवाल है, वो हमारे पिछले संसद रह चुके हैं, लेकिन अगर आप आसपास में देखते हुए, आप खुद एक पत्रकार हैं, आप देखते हुए यदि आप विकास की बात करें, यदि हम सड़कों की बात करें या फिर स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें, इस क्षेत्र में श्री जावेद साहब का उतना योगदान नहीं है जितना होना चाहिए। यदि व्यक्तिगत रूप पर हम जावेद साहब को देखें तो वो लगातार इलेक्शन के दौरान भ्रमण करते हैं, फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं कि जनता है कि नहीं। अच्छा, और यदि मैं मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में बात करूं तो वो एक प्रबल व्यक्ति है जिसके अंदर एक नेता जैसी छवि लगती है, ठीक है, और वो लोगों के क्षेत्र के लोगों के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी कमी है, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं जो जनता उसको समझ नहीं पा रही है, ठीक है। तो एक तीसरा कैंडिडेट है जो हमारे पास है, अख्तरुल ईमान साहब है, उसका तो एक अलग ही है कि जिसके अंदर ईमान है समझो अख्तरुल ईमान है। तो इस तरह की हवाबाजी तो नहीं चलती है जनता के अंदर, लेकिन जब बातें आ जाती है जनता के समक्ष में कि जनता जिसको पसंद कर ले, समझ जाइए कि संसद उसका हो जाता है। किसको पसंद कर रही है? 26 को तो चुनाव है, बहुत करीब नज़दीक चुनाव आ गया। देखिए, अभी तो कहा नहीं जा सकता, काफ़ी कांटे का टक्कर है, ठीक है, लेकिन अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो पर्सनल ओपिनियन में जो मास्टर मुजाहिद साहब हैं वो हमारे इधर से लीड कर रहे हैं, जनता उसको चाह रही है, जवान उसको चाह रहे हैं, बूढ़े चाह रहे हैं, वहीं पर थोड़ा बहुत जो हवा बन रही है वो अख्तरुल ईमान की बन रही है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा मेहनत कर जाता है और कितना अच्छा जनता को अपने अपने बातों से या फिर अपने मुद्दों से प्रभावित कर पाता है। ये उस दिन का है, मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी को लेकर मार खा जाएंगे, उसकी पार्टी BJP में चली गई। देखिए, बात तो सही बात है कि पार्टी जो है, जाहिर सी बात है कि ये एक जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, और मुस्लिम बाहुल्य आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, यदि आप सर्वे की बात करें, यदि अगर यादव क्षेत्र बाहुल्य हो जाती है तो वहाँ पे यादव कैंडिडेट जीत जाते हैं, यदि मुस्लिम क्षेत्र अगर इलाका है तो वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाते हैं। रहा सवाल मास्टर साहब का, तो मास्टर साहब की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिमों के विरुद्ध में ऐसे ऐसे कानून पारित करती है जो मुस्लिम के सिर्फ छवि को ही नहीं बल्कि उसके अस्तित्व को बिगाड़ने का काम करती है। तो एक तरह से जाहिर सी बात है कि प्रत्येक मुस्लिम इस बात पर जरूर गौर करेगी कि मास्टर मुजाहिद साहब को वोट करने से पहले कि क्या भविष्य में भारतीय जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या उसको प्रैक्टिकल वे में कर पाते या नहीं, या फिर सिर्फ एक जुमलाबाजी है जो लगातार 10 सालों से करते आ रहे हैं। कार माहौल बनो, कार चर्चा चलो क्षेत्र माहौल, आप एकदम बिजी माहौल कार बनाओ आप एड्रेस तो सब बता दें आप। अभी तो फिलहाल कहाँ जावेद साहब जीते गए 5 साल, हमारा जीते भेज में वक्त आज तक कोई कहने नहीं बोल क्षेत्र में रोड ठीक है। हाँ, खाली उसमें नहीं दिखाया जला चौक कहाँ कोई विकास काम खुद सारे घाटे काम आते पहले अंदर क्षेत्र के विकास काम तो नहीं कर ले क्षेत्र कभी बहना भ्रमण कर ले दो कहाँ कर लेते नहीं कहाँ आते वो सो अभी कभी कभी वो सो बाई चानक सालेपुर डे सालेपुर छो मनकारपुर कुंटा वैसे कुंटा का चले आया कभी नहीं चलो खाओ कभी नहीं चलाओ किल बदलाव मोड़ो छी। हाँ, इनमें तो बदलाव मोड़ो छी 70 साल से तो वोट कांग्रेस के जीते वो एक से तो 70 साल से कांग्रेस से जा बदलाव को देखी 70 साल से कांग्रेस के थे। हाँ, बाप दया सब बोले चले गए दुनिया से बदलाव को बात की हो चाहिए कमेंट हो जाए बदलाव अगर बात करो इसे डिजन बजाया मास्टर मुजाहिद साहब और अख्तरुल ईमान साहब ये दोनों अभी तगड़ो छे। अच्छा, तगड़ो तक गोविंद बार तो वो सभी तक तुम्हारी कहाँ वार्ड दो पिक अप अत्य आ दो ये तक अब जब दर्द नीचे काल काल दिलों की छे काल दिलों का कहाँ पाओ नहीं पाओ कौन तो मास्टर मुजाहिद साहब और अख्तरुल ईमान साहब कार पड़ला वाड़ी चले से अल्लाह अभी दाना अभी भारी कहाँ दिखाया अभी दाना बराबरी है अभी समय की जहाँ अभी अंदर में तो पता नहीं चल रहा अभी कुछ अंदरूनी मामला से कुछ पता नहीं चलेगा एक दो दिन लास्ट है तो पता चल गएगी मतलब की है रुझान अभी लोग कभी वाक कभी वाक कभी वाक कम लोग अब देखो एक दो दिन बाकी रुपये तब मतलब पता चल पे। मोहम्मद खैरुल आलम, क्या लगता है इस बार किसको जिता रहे हैं, किसको दिल्ली भेज रहे हैं? वो जीतेगा हमारा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी? हाँ, क्यों कांग्रेस पार्टी किस वजह से वोट दे रहे हैं इस बार?
बहुत मरतबा मान के चलेंगे यहाँ पर, मतलब एम आई एम पार्टी आया वहाँ करता था। एम आई एम पार्टी इससे पहले था ना, अभी तो कांग्रेस ही है यहाँ से। हाँ तो कांग्रेस ही है ना, तो अभी मतलब एम आई एम कुछ जोर लगा रहा था ज्यादा, लेकिन वोट उसको ही होगा, किसको होगा? हाथ छाप में। हाथ छाप में? हाथ छाप कुछ नहीं किया, लोग सब कह रहे हैं। वो क्या किया नहीं किया तो पुराना आदमी लोग जानता है ना कि हाथ छाप क्या नहीं किया। अरे क्या किया वैसे बताइए? बहुत कुछ किया है। वही क्या किया, एक दो काम बताइए। बहुत सारे शहीद किया है, शहीद वही लोग किया है ना। अभी तो मान के चले जो जो नया नया सत्ता में आया है वो लोग सबको बर्बाद कर रहा है। लोग सबको बर्बाद कर रहे हैं? किसको बर्बाद कर दिया है? किसको बर्बाद कर दिया? किसको बर्बाद कर दिया? अभी दिल्ली में मान के चले कि एक मुख्यमंत्री है, वो अभी जेल में है ना। तो कोई सियासत ऐसे जेल में है ना, क्या मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है? नहीं, हम किशनगंज की बात कर रहे हैं, किशनगंज की। हाँ तो हमको बताना है, तो मतलब आप हमसे पूछिए तो हम आपको बता दिए। दो और है चेहरा, AIMM से अख्तुल ईमान साहब और JDU से मास्टर मुजाहिद साहब, जानते हैं इन लोग को? हाँ जानते हैं, लेकिन अभी जो फील्ड बना हुआ वो आपको बन रहा है तो अच्छा था आपको बन रहा। अच्छा कबूल बन रहा है मोहम्मद अमीनुद्दीन। क्या लगता है इस बार कि किसका माहौल बन रहा है इस क्षेत्र में, किस पार्टी का दबदबा है? अभी तो किसी का मैडम नहीं सुना गया कि मतलब किसको ज्यादा देता है वोट, किसको कम देगा, इससे भी कोई माहौल नहीं बना। हम लोग कोई समझ में नहीं आता है किसको देगा वोट, समझ नहीं आता। अच्छा क्यों नहीं समझ में आ रहा है ऐसा? क्यों? इसीलिए रहा है कि किसको भी वोट देते हैं वैसे ही होता है, उसी बात से मतलब आदमी को फर्क पड़ता है। हम लोग तो ये मैम को वोट दिए थे, ये तो विधानसभा में दिए थे ना, अभी लोकसभा का है उसने भी लोकसभा में कांग्रेस को वोट थे। कांग्रेस को पिछले बार भी कांग्रेस को ही दिए थे? पिछले बार भी कांग्रेस को ही दिए थे। कांग्रेस पिछले 5 साल में काम किया, कितना काम किया? हाँ काम हमने तो किया, हमको वोट देना है बस, हो गया काम खत्म हो गया, वहीं नाम कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर काम नहीं हो रहा तो बदलना तो जरूरी है ना। बदलेंगे तो आप किसको बदलेंगे? सबको तो बदलते बदलते ऐसे होता है काम, तो कोई काम हो रहा है सब तो बदल रहे हैं, एक जमाने से ही बदल रहा है ना, कहाँ कुछ हो रहा है। कांग्रेस वहाँ बैठा हुआ है दिल्ली में, राजधानी में बैठा हुआ विधानसभा के अंदर, या तो उसका दूसरा पार्टी उठता है, जो जीता वही सिकंदर। अच्छा हम लोग पास कोई आता है एक बार वोट लेके गया, कोई दो बार यहाँ नहीं आया, कि आपका क्या खैरियत है? अभी तो जाके पेट में गिर जाएगा आपका, आपका पेट में आपका खाना खाएगा, 5 दिन के बाद आपका भीड़ लगेगा कि अच्छा नहीं लगेगा वो खाना, हम कैसे खाएं? ये है मतलब यहाँ का। तो मौजूदा सांसद भी नहीं आए? नहीं कांग्रेस के, तो इसलिए उसी को वोट देना, क्या करें, तो मजबूरी है, मजबूरी है। वैसे दुकान करते हैं आप तो, देखिए ना, बिस्किट बेचते हैं, दूध बेचते हैं, चाय बेचते हैं, क्या बेचते हैं? वो चाय नहीं बेचते हैं, चाय तो बेचते, दूध और सब बेचते हैं। क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई है, महंगाई है, हाँ बिल्कुल महंगाई है। तो महंगाई को कौन कम करेगा, NDA या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन नहीं करेगा इसको, NDA क्या कर पाएगा? NDA की तो सरकार पहले से ही है, तो कहाँ कुछ कर पाया? वो नहीं, काम नहीं हुआ है। कहाँ काम हुआ है? काम जो कुछ हुआ नहीं है। बोलना रोड घाट बना दिए, सिलेंडर दे दिए, वो तो सब बनाता है सरकार, आएगा तो वो बनाएगा ही, सब बनाएगा। अच्छा किसे भी नहीं, किसको चाहते हैं? डॉक्टर जावेद साहब, कोई विकल्प नहीं है, हमें सर मजबूरी में, मजबूरी है ना, और क्या? क्या पार्टी को लेकर मजबूरी है, कैंडिडेट को लेकर मजबूरी है? पार्टी को लेकर मजबूरी है, कैंडिडेट को लेकर नहीं। कैंडिडेट कैसा है? कैंडिडेट मुजाहिद साहब अच्छा है। अच्छा कैंडिडेट मुजाहिद साहब अच्छा है, मगर वोट डॉक्टर जावेद को देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश देख रहे हैं राहुल गांधी को, इसलिए उसको दे रहे हैं वोट, राहुल गांधी को देख के। तो फिर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट क्यों नहीं बनना? बदलना चाहिए था उसको, क्योंकि मतलब आवाज़ तो उठाया गया था इसके लिए, उसको बिल्कुल बदलना था उसको कैंडिडेट, नहीं बदला था उनका, क्या ये कह नहीं सकते उसके बारे में, क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा मास्टर मुजाहिद साहब को फिर क्यों नहीं? क्योंकि असल में उसका जो सर्वे सर्वा है वो नीतीश कुमार है, पलटू डाम है, कभी इधर तो कभी उधर, उसका तो कुछ पता ही नहीं लगता है साला, क्या करेगा नहीं करेगा वो, इसलिए उसको नहीं देना चाह रहे वोट। पार्टी की वजह से हम लोग वोट नहीं देना चाह रहे मास्टर मुजाहिद साहब को, नहीं तो हम लोग वोट तो मास्टर मुजाहिद साहब को देते। और एक पार्टी और है AIMIM, उसको तो अख्तुल ईमान साहब, उसको तो बिल्कुल देना नहीं चाह रहा हम लोग। उसे कैंडिडेट वो भी बढ़िया है, लेकिन उसकी पार्टी भी तो अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि वो तो बिल्कुल BJP से लगभग अटैच है, वो और भी नेता बोलता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता, लेकिन ये बोलता है उसको। आरोप लगा है, सीधे नहीं हुआ है ना, आरोप सीधी है ना, कुछ भी लगा सकते हैं आप, अंदर भी आरोप लगा सकते हैं ना। नहीं असल में ऐसा है कि अगर कोई भी BJP के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये बोलता है तो इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, ये तो ये सही है ना, ये तो कोई गलत बात नहीं है, बराबर नेता को वही कर दिया, सिर्फ इसको छोड़ करके।
असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ करके, इसलिए उनको नहीं करना चाह रहे हैं मास्टर मुजाहिद साहब। मतलब वो मतलब बीजेपी समझ रहे हैं, एआईएमएम को भी और मास्टर मुजाहिद साहब तो बीजेपी ही दोनों, और क्या दोनों एक ही पार्टी क्या समझिए। तो हम लोग ऐसे एक ही विकल्प है डॉक्टर जावेद साहब। डॉक्टर जावेद साहब कैंडिडेट के बनस्पत नहीं, पार्टी के विशेष पर